नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। देश में कोरोना वायरस का कहर अभी जारी है। रोजाना 30,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केरल के बाद महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगा है। यहाँ प्रतिदिन 5,000 से ज्यादा नए मरीज दर्ज किए जा रहे हैं। राज्य में अभी भी 55,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र के 5 जिले पुणे, ठाणे, सतारा, अहमदनगर, सांगली बढ़ा रहे हैं। यहाँ 60% से ज्यादा यानी 37,000 के करीब एक्टिव केस हैं। हालांकि 15 जिले ऐसे भी हैं जहां पर 100 से कम कोरोना के एक्टिव मामले हैं। इनमें से 6 जिलों में कोरोना के मामले 10 से कम हैं, जबकि आदिवासी इलाके नंदुरबार में कोरोना का एक भी मामला नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के टेक्निकल एडवाइजर डॉक्टर सुभाष सालुखे ने जानकारी देते हुए बताया कि डेल्टा वेरिएंट अभी भी प्रदेश में एक्टिव है। जिन लोगों को पिछली बार कोरोना की लहर में संक्रमण नहीं हुआ था, उन्हें अब कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि प्रदेश में 36 जिलों में से सिर्फ 7 जिले ऐसे हैं जहां प्रदेश में कोरोना के मामले अधिक हैं। हम इन जिलों पर अपना पूरा ध्यान बनाए हुए हैं, साथ ही इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि यहां कम से कम संक्रमण के मामले हों। जिन जिलों में अब कोरोना का प्रकोप कम हो गया है, वहां राज्य सरकार ने ढिलाई करना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिन शहरों में कोरोना के मामले 10 से कम हैं, वहां छूट में बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस के 4,575 मामले सामने आए हैं, जबकि 145 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। यहाँ अब तक 64,00,000 से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 1,35,817 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।